6 तारीख को जैसे समाचार मिला, हम बैठक में थे कांग्रेस कार्यकारिणी की, कि सुषमा जी गंभीर हैं और उनको एम्स में ले जाया गया, कार्रवाई स्थगित होके सबने कहा पहले जानकारी ले कितनी गंभीर, कुछ समय के बाद निधन की सूचना मिली, पूरा देश शोक में डूब गया, पूरी दुनिया ने श्रद्धांजलि दी दिल से। वो कद की छोटी थी, व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, हृदय भी बहुत बड़ा था, सोच विशाल थी, देश के प्रति समर्पित थी और अपनी विचारधारा के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटल थी। मैंने सुषमा जी का नाम पहली बार 1977 में सुना था, जब हरियाणा में चुनाव जीत कर आई थी। उसके बाद उनको सुना, उस समय टेलीविजन नहीं हुआ था, होते थे कभी रेडियो पर, कभी अखबार में पढ़ा। 1980 के दशक से कई बार मिलना हुआ और एक लंबा समय संसद में हमने एक साथ गुजारा। वो विपक्ष की नेता रही, मैं केंद्र में मंत्री था, विचारों का आदान प्रदान भी होता था, बहस भी होती थी और तीखी बहस होती थी। सुषमा जी की वाणी में बहुत मजबूती थी, सोच की थी, शक्ति थी, पर कटुता कभी नहीं थी। मैंने उनमें कभी अहंकार नहीं देखा। अगर किसी बहस में या वोट में जीत भी गई, उन्होंने कभी दूसरे को छोटा दिखाने की कभी कोशिश नहीं की। हमारी राजनीति में अलग दल अलग विचारधारा, और भारत की शक्ति है प्रजातंत्र की और इस देश की विविधता, वो सबको समझती थी अच्छी तरह। पर वाद और विवाद और चर्चा और चिंतन हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो पहचानती थी, पर वाद विवाद से ऊपर उठ के उसको संवाद में परिवर्तित करना, वो उनकी एक अद्भुत क्षमता थी। संवेदनशीलता दिल को छूती थी। बहुत यादें हैं सबकी, सब साथियों ने कहा अपनी बात, मुझे मेरी भी बहुत यादें हैं, पर एक बात जो मेरे मन को छू गई थी, वो स्वास्थ्य मंत्री थी भारत की, वो मेरी मां बीमार हुई और शिमला से हम उनको हेलीकॉप्टर से लेकर आए, एम्स में लेके गए और सुषमा जी को मैंने फोन किया, सुषमा बहन, मैं उनको हमेशा बहन कहता था और वो हमेशा आनंद भाई कहती थी, आयु में ज्यादा अंतर नहीं था, वो मेरी बड़ी बहन थी। का क्या हुआ? का मां बीमार है, एम्स में जगह चाहिए। कहा कि चिंता छोड़ दें, मुझ पे छोड़ दें। और शाम में मुझे हैरानी हुई, भारत की स्वास्थ्य मंत्री, जब मैं कमरे में गया माँ को मिलने, तो माँ की चारपाई के साथ हाथ पकड़ के उनका बैठी थी। तो हमने कहा आपने क्यों कष्ट किया? बोला तुम्हारी नहीं, मेरी भी माँ है। तो मैं कभी नहीं उसको भूल सकता, उनके उस बड़प्पन को। तो मेरा परिवार कृतज्ञ है उस बात के लिए, किस तरह उन्होंने ये महानता दिखाई व्यस्तता होते हुए भी। हमारी कई विषयों पर अलग अलग राय रही, पर संबंध में कभी भी कड़वाहट नहीं आई। मुझे याद है 2013 में किसी नीतिगत विषय पे सरकार की और विपक्ष की पूरी तन गई और सदन में वोट की नौबत आई। सुषमा जी विपक्ष की नेता थी लोकसभा में,
उन्होंने अपनी नीति अपने मत से समझौता किए बिना मजबूती से अपनी बात रखी। स्वाभाविक हमने अपनी बात कही। रात में सुषमा जी का घर पे फोन आया कि चलिए मतदान हो गया, नतीजा जो भी हुआ, एक बात कहने को फोन किया कि आनंद भाई आप बहुत अच्छा बोले। ये उनका बड़प्पन था। आज सब देश के लोग, हर दल के लोग, भारत के प्रधानमंत्री, तमाम लोग यहां पर उनको याद करते हैं स्नेह से, सम्मान से। देश को कमी खलेगी, उनकी आवाज जो सदन में गूंजती थी, देश में गूंजती थी, दुनिया के हर मंच पे गूंजती थी, वो आवाज हमेशा याद रहेगी हमको। मैं अपनी ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की तरफ से और संपूर्ण कांग्रेस परिवार की तरफ से सुषमा जी को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार स्वराज को, बांसुरी को, तमाम निकटजन प्रशंसक, समर्थक और पूरे उनके दल के लोग, हम उनको अपनी संवेदना प्रकट